अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं और ये लोग देश के मान सम्मान की बात करते हैं। शंघाई में क्या कहा कि अर्लियर यू फेल्ट अशेम्ड ऑफ बीइंग बोर्न इन इंडिया, नाउ यू फील प्राउड टू रिप्रेजेंट द कंट्री। इंडियंस अब्रॉड हैड ऑल होप्ड फॉर अ चेंज इन द गवर्नमेंट लास्ट ईयर। ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा। मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। LIC लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SBI लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंक लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं और ये लोग देश के मान सम्मान की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, मैं आपको चार उदाहरण देता हूं, ऐसे तो बहुत है। आपने जो चाइना गया शंघाई में क्या कहा, मैं यही शब्द आपके सामने रखूंगा ताकि मोड़ तोड़ के बोल रहे ऐसा नहीं होना कि अर्लियर यू फेल्ट अशेम्ड ऑफ बीइंग बोर्न इन इंडिया, नाउ यू फील प्राउड टू रिप्रेजेंट द कंट्री। इंडियंस अब्रॉड हैड ऑल होप्ड फॉर अ चेंज इन द गवर्नमेंट लास्ट ईयर। ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं देश की मर्यादा चले गई अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करते हैं किसी कॉलेज में किसी सेमिनार में तो आप उनको टोकते हैं और हम देशद्रोही बनते हैं। ये देशभक्त वहां जाकर ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद साउथ कोरिया में उन्होंने क्या कहा, साउथ कोरिया में भी यही कहा, अर्लियर पीपल वुड लैमेंट, दे वुड आस्क व्हाट सिन दे हैव कमिटेड टू हैव बीन बोर्न इन इंडिया। ए बिजनेसमैन वांटेड टू लीव द कंट्री फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, बट दीज पीपल आर नाउ सेइंग दैट दे विल कम बैक इवन इफ देयर इनकम्स आर लोअर देन इन अदर। यानी 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ या जो इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी उन्होंने ऐसा कंडम किया कि उस वक्त के बिजनेसमैन बेकार थे, उस वक्त के लोग बेकार थे, उस वक्त के लोगों को कोई इज्जत नहीं थी, सिर्फ इन्होंने आने के बाद ही इज्जत बढ़ा दी, ये उन्होंने इसमें कहा। फिर उन्होंने और एक बात कही कनाडा में, उन्होंने वहां क्या कहा, देखिए उन्होंने ये कहा कि जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए पर हम सफाई करेंगे। और दूसरी बात भी कहे, मैं ज्यादा नहीं कुछ बोल, अरे गंदगी तो आप कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, संविधान के धज्जे उड़ा दे रहे हैं और सब एजेंसी को हाथ में लेके हर अपोजिशन पार्टी को दबाने का, कुचलने का, सप्रेस करने की बात आप कर रहे हैं। और ये ऐसा है चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये ऐसे हैं। खुद तो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लोग हैं वो, तो ये कहावत भी है और सबको मालूम भी है। और एक बात, जो UAE में गए, वह UAE में मोदी जी क्या बोले, देखो पहले की गवर्नमेंट लेथार्जी थी और वो काम नहीं कर सके तो हम और प्रायोरिटी बेसिस पे, यानी और भी बहुत से हैं जो अभी परसों कल कर्नाटक में कुछ दूसरे जगह में, जो इंसान जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है
अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहां पर सेमिनार में डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। तो ये उनको समझ में आना चाहिए। लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी पार्टी के लोग, हमने यही कहा, देखो भाई आपको ये मसला उठाना भी है, आप उस सदन में उठा सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं, इस सदन के वो सदस्य नहीं है। तो इसीलिए हम आपके सामने ये बात कहने के लिए सभी पार्टी के नेता, 16-17 पार्टी के नेता लोग आए हैं। और हम क्या डिमांड कर रहे हैं, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, जेपीसी बिठाओ अदानी के इशू पे, उसको डाइवर्ट करने के लिए, वो इशू को अलग करने के लिए। ये बीच में उठते ही उनको 10 मिनट का टाइम मिला और मुझे सिर्फ 2 मिनट भी बोलने नहीं दिए। यानी ये क्या है, मैं किसी की कमजोरी नहीं बोल रहा हूँ, ये क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और जब अदानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है। ये जो है, इसके लिए आज भी हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, सब मिलके इसके लिए एक हैं और हम लड़ेंगे इसके लिए। उनको क्या करना है कैसा, वो तो छुपा लेने की बात कर रहे हैं, डिफेंड करने की बात कर रहे हैं, कर लेने दो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं उनका पीछा। हम जैसा कुछ है ना, बेताल कैसा, विक्रम बेताल, हाँ विक्रम बेताल के जैसा हम पीछा लगेंगे